2016 जाना जाएगा, क्योंकि इस साल दोनों कंपनियों ने अपना नया कंसोल्स लॉन्च कर चुका है, PS4 Pro और Xbox One S। दोस्त जबरदस्त कंसोल है, कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल है गेमिंग का। जो PS4 है उसमें HDR 4K गेमिंग पॉसिबल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। जो PS4 Pro है $400 का मिलता है और वही कुछ यूरो का भी। Xbox One S जो है $300 यानी $299 का मिलता है। एक्सबॉक्स वन की बात करें तो 2 TB 1 TB पे मिलता है। जो PS4 Pro और स्लिम है वो भाई लोग बहुत छोटा बनाया है, बहुत छोटा, यानी कि कंसोल ऐसा होना चाहिए, दिखने में भी ज़बरदस्त, लाइट वेट और छोटा भी। बहुत सारे मॉडिफाई किया है इसका, आप ध्यान दिए होंगे तो कंट्रोलर भी शायद मॉडिफाइड है। हाँ मॉडिफाइड है। एक्सबॉक्स वन की बात करें तो ऑफ कोर्स पुराने वाले कंसोल से तो छोटा ही है, पर कुछ ज़्यादा बड़ा है भाई। वो 2016 के हिसाब से तो इतना बड़ा कंसोल नहीं चलेगा, इससे बढ़िया कोई गेमिंग पीसी ना बना ले। तो एक्सबॉक्स वन की बात करें तो इस साल लगभग जून जुलाई ऐसे ही कुछ लॉन्च हुआ था। बड़ा है, PS4 से बड़ा है, पर स्लिम और उसकी बात करूँ तो एक्सबॉक्स वन के तरफ जाइए। लेकिन अगर आप हार्ड कोर गेमर हैं तो 4K क्वालिटी और HDR क्वालिटी को मिलने वाली है PS4 में। और एक और गेम जो आने वाला है 2017 या फिर हो सकता है 2018 में भी खींचा जाए, वो है गॉड ऑफ वॉर। जी हाँ दोस्तों, गॉड ऑफ वॉर का नया गेम आने वाला है। अब देखने की बात होगी कि किस टाइप से गेम होगा। तो बात करें तो इसके प्रीवियस गेम्स की, सब गेम्स ने तबाही मचा के रखी थी गेमिंग इंडस्ट्रीज में, चाहे वो 3 हो, एक्सक्रिंसन हो, 1 हो, 2 हो, यहाँ तक कि PSP वाले गेम भी ज़बरदस्त थे इसकी, जिसी पे सोनी कंपनी आधा से ज़्यादा टिका है। और बाकी एक्सबॉक्स की बात करें, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा PS4 को, बट क्या करें, रिव्यूअर हूँ तो सच तो बताना पड़ेगा आपको। गियर्स ऑफ वॉर्स, हेलो, फ्रोजा हॉरिज़न, ऐसे करके गेम्स हैं एक्सबॉक्स के पास भी, वो भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। US में बहुत चलते हैं, गेम्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और वैसे भी गॉड ऑफ वॉर का कम वर्जन लॉन्च हो रहे थे इस साल, 2-3 साल से। तो बात करो तो दोस्तों, अभी $400 हैं आपके पास और आपको चाहिए टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग, तो PS4 Pro लीजिए, ज़बरदस्त है। उन्होंने इस साल बता रहा हूँ कि बढ़त बना ली है, क्योंकि PSVR भी लॉन्च कर दिया है। साल दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि प्रोजेक्ट और स्कॉर्पियो जब आएगा तब फिर क्या गेम का चेंजर होगा, या फिर PS5 लॉन्च उसको टक्कर देने के लिए होगा, या फिर पता नहीं क्या। अभी के लिए ठीक है दोस्तों।